आपको बैक कैमरे से लोकेशन दिखाता हूँ कैसी है लोकेशन। जो हमारा आंसू, उसने तगड़ा जिगरा रखा है भाई, इतना नीचे गया था। और ये पी रहे हैं दारू। Hey guys, welcome back to another vlog. तो आज हम आए हैं कांगड़ा साइड एक नए शूट के साथ। तो आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम शूट कर रहे हैं और कितनी मेहनत लगती है शूट करने में। तो आज हम आए हैं कांगड़ा धर्मशाला साइड अगंजर महादेव। बैकग्राउंड में आप लोकेशन देख सकते हो। अभी आपने देखा ही होगा, विजय भाई ने आपको दिखाया होगा कि हम कैसे कैसे रिस्क में शूट कर रहे थे। अभी मतलब हमने वैसे ब्लॉग घर से स्टार्ट किया नहीं था क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेट काफ़ी हो चुके थे। ये साथ में हमारे सिंगर जी हैं जतिन भाई हरियाणा से, इनका शूट कर रहे हैं आज। और ये मेरी टीम, इसको तो आप जानते ही हो, आसू जी। और ये साथ में हमारे विजय भाई। शूट काफ़ी अच्छा हो गया, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं खड़ोता साइड, वहाँ पे करते हैं शूट। वैसे ये कि भगवान साथ दे रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया है, वरना इस गर्मी में तो शूट करना भाई क्या ही बताएं आपको। तो अभी काफ़ी अच्छी हवा चल पड़ी है और अभी हम निकल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। उससे पहले सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि सभी को भूख लगी है। और ये बैक कैमरे से आप देख सकते हो हमारी टीम रेडी है अगली लोकेशन के लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। तो गाइज अभी सेकेंड लोकेशन खड़ोता, अभी लगे हैं चढ़ने। और अभी जो मेरी टीम है, इन्होंने पहले ही हार मान ली है क्योंकि इनको डर लग रहा है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ नीचे नीचे कर लेते हैं शूट, पर मैंने बोला कि असली लोकेशन तो ऊपर है। आंसू तो पहले आ चुका है, पर ये जो दो बंदे हमारे साथ नए हैं, ये कभी अभी आए नहीं हैं। तो अभी हम ऊपर चढ़ेंगे, आपको बैक कैमरे से लोकेशन दिखाता हूँ कैसी है लोकेशन। ये देखो, तो भी आपने देखा कि बिल्कुल टॉप पे जाना है, काफ़ी रिस्की है पर करना तो पड़ेगा। अभी हम खाना खा के फ्री हुए, अब ऊपर चलते हैं और ऊपर करते हैं शूट। भाई मेरे को रास्ते का नहीं पता है, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता, खुद के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। तो भी आप देख ही सकते हो कि कितनी चढ़ाई है, ये सारी कवर करनी पड़ेगी तभी पहुँचेंगे ऊपर। और ये हमारे सिंगर सर। तो अभी काफ़ी चढ़ाई है, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं ऊपर। तो अभी सब कंफ्यूज हैं, अपने अपने रास्ते बता रहे हैं। कोई बता रहा है यहाँ से जाओ, कोई बोल रहा है वहाँ से जाओ। आंसू मिला रास्ता? हाँ हाँ यही है रास्ता। ओके चलो फिर फतेह हासिल करते हैं। बैक कैमरे से देख ही सकते हो पीछे लोकेशन। अभी तो और काफ़ी ऊपर चढ़ना है और बैक कैमरे से देखो खतरनाक बंदे। तो अभी जल्दी जल्दी चढ़ते हैं ऊपर। दो और आगे, आ जाओ। चलो चलो जल्दी। तो जो अभी नीचे मालिक हैं, उन्होंने मेरे को नया काम दिया है कि इनको नीचे भेजो बकरियों को। चलो ये ऊपर आ गई हैं और इनका मालिक नीचे ढूंढ रहा है इनको। चल चल नीचे। ये देखो, तो अभी चेक करो गाइस व्यू, कितना अच्छा व्यू है, मजा आएगा यहाँ पे शूट करने का।
तो अभी हम खड़ोता पूरी चढ़ाई चढ़ के ऊपर आ चुके हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है। जो हमारे सिंगर सर हैं जतिन जी, उनको भी लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी है। अभी आपको बैक कैम से दिखाता हूँ लोकेशन। ये देखो व्यू चेक करो। अभी आप हम करेंगे यहाँ पे शूट। पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती क्योंकि काफ़ी थके हुए हैं। अभी साथ में हमारे बिजू भाई ड्रोन ऑपरेटर से यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमारे भाई जी सिंगर भोलेनाथ की जय हो, जय भोलेनाथ। तो अभी हम लोकेशन पे पहुँच गए थे, अभी शूट स्टार्ट करने लगे, पर सभी को लग पड़ी प्यास, क्या करें। और सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम पानी की बोतल लेके आनी थी पर याद नहीं रही। तो अभी हमारे आंसू जनाब गए हैं नीचे पानी लेके आएंगे वो, तब तक हम करेंगे थोड़ा सा शूट। तो आंसू का ये है कि काफ़ी अच्छा बच्चा है, बात मान जाता है, पानी लेने इतने नीचे गया है, देख लो कितना नीचे जाके पानी मिलेगा। और ये हमारे सिंगर और ड्रोन पायलट वाले भाई आ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ निकालेंगे अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट और कैमरे से करते हैं एक अच्छा सा शूट। जो हमारा आंसू, उसने तगड़ा जिगरा रखा है भाई, इतना नीचे गया था, वहाँ नीचे से लेके आया, इतने नीचे से बंदा हमारे लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है। ये होती है बड़े भाइयों की रिस्पेक्ट और सेवा। सेवा तो नहीं, ये इसको पता है कि क्या पता है कि बड़े भाई को नहीं चलाते ज़्यादा। तो ये बड़ा अच्छा टैलेंटेड बच्चा है। ये देखो कितनी दूर से आ रहा है, वो देखो फाइनली मेरा भाई आ चुका है कोल्ड ड्रिंक और पानी लेके। हा हा हा, बड़ी मेहनत की है भाई ने, टैलेंटेड बच्चा। इतना क्या क्या लेके आया वो देखो, कितनी नीचे से लेके आया भाई। क्या यहाँ पे दुकान खोलने लगाई है? मेरे को लग रहा है कि आंसू भाई ने यहाँ पे दुकान खोल ली है। ये ले आए कोल्ड ड्रिंक और पानी। भाई कितने का है, टैक्स कितना लगेगा? टैक्स तो बहुत ज़्यादा। नहीं, एक बात मतलब मानने वाली है कि जो जिन बंदों ने रेट बढ़ाए होते हैं सही बढ़ाए होते हैं ना, इतना ऊपर मतलब सामान लेके आना कैरेज तो लगता ही है। इधर देख लो भाई, खूब पसीना ही पसीना हो चुके हैं, पर मेहनत बड़ी की है, इसको दिल से दुआ। तो अभी चला है ड्रोन शूट, सिंगर के हम निकाल रहे हैं सिंक और ये पी रहे हैं दारू। क्या पी रहे हो? थम्स अप। दारू भाई दारू। तो अभी हवा तगड़ी चली है और वो छोटी सी ये बांस दिलाओ, वो देखो फ्रेंड्स है, खतरनाक बंदे तो अभी पहुंचे। बोल रहे हैं कि हमारी लोकेशन पे यहाँ पे आके ये क्या कर रहे हैं हमारे बिना? तो ये भी पहुंच गए हैं हमारी एंटरटेनमेंट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अब नेक्स्ट शूट करते हैं इनका स्टार्ट। तो गाइस अभी हमने पड़ोसता में शूट अपना डन कर लिया, अब नीचे जाने लगे हैं। और भाई ने बोला कि टकाटक फाड़ लो क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये के टकाटक की मतलब वो 50 वाली फीलिंग आएंगी। अभी मतलब हम अमीर हैं तगड़े वाले, 50 रुपये का टकाटक मिलेगा यहाँ पे अगर मिलता हो तो। हम सोच रहे हैं कि एक अपनी वो खोल लेते हैं यहाँ पे दुकान। क्यों भाई, चलेगी? काउंटर भी है वैसे, ऊपर हमने देख लिया है, सोचने में ही मतलब काफ़ी जनता आती रहती है तो यहाँ पे एक दुकान खोल लेनी चाहिए, काफ़ी चलेगी। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं नीचे, फिर अभी नाइट शूट भी है तो अभी नाइट शूट भी करना है। काफ़ी थक गया, पर एक बेस्ट पार्ट ये था कि जो मौसम था वो अच्छा था तो शूट भी अच्छा हुआ। और अभी देखो पहाड़ों का व्यू देखो। तो अभी हम इतनी मेहनत करने के बाद नीचे फाइनली पहुंच चुके हैं। बाज से भी डांस करवाया। हाँ, बाज से भी डांस करवाया। तो जो नए नए आज आए थे उनसे पूछते हैं कि कैसी रही लोकेशन पे फीलिंग्स। भाई कैसी रही? बहुत ही ऑसम यार, लोकेशन कैसी थी? कृपा थी यहाँ पे, एक आशीर्वाद था उनका यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ काम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया,